वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों को फीडिंग ट्यूब से दूध कैसे पिलाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फीडिंग ट्यूब लेंगे और उसके बाद इसे खोलेंगे। खोलने पर कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको नाप लेंगे या ऐसे भी 122 से 125 mm के बीच में ही छोटे बच्चों को फीडिंग ट्यूब लगाने के लिए एक स्टेथोस्कोप का रखना भी जरूरी है, ताकि हम लोग साउंड को अच्छे से सुन सके, ताकि ये सही पोजीशन पे जो फीडिंग ट्यूब है वो पहुंचा है कि नहीं। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को हटा लेंगे ताकि एक्सहेल करने में इसे प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर हम लोग अच्छे से डंग के ऊपर से धीरे धीरे फीडिंग ट्यूब को अंदर की तरफ लगाएंगे। और हम लोग मैक्सिमम 120 से 125 mm तक हम लगाएंगे। फोन से इसमें एयर पुश करेंगे और सहायता से मैक के पास एयर का साउंड सुनेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। मैं दस मिनट से एयर को पुश कर रहा हूँ और मुझे साउंड सुना दिया है। इसका मतलब कि ये सही पोजीशन पे पहुँच चुका है, यानी अम्बिलिकल के पास पहुँचना चाहिए। और फिर हम लोग 10 मिनट से 10 ml से थोड़ा कम मिल्क निकालेंगे और थोड़ा सा एयर लेंगे और धीरे धीरे उसको अंदर की तरह प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे स्लो खिला रहा हूँ दूध को फीडिंग ट्यूब की सहायता से। और इसे थोड़ा सा ऊपर इसलिए उठा लिया गया है ताकि मिल्क रिवर्स ना हो पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिल्क रिवर्स हो जाता है प्रेशर की वजह से। और मैंने फिल्म में दूध निकाल के आराम आराम से देख लिए पिला रहा हूँ। अगर बच्चा सीरियस रहता तो ये तरीका सही होता है दूध पिलाने का फीडिंग ट्यूब से। अब ये बच्चा दूध पी चुका है और हम लोग बच्चा को लेटा दिए हैं और धीरे धीरे इसको ट्यूब को हम लोग निकाल लेंगे बाहर की तरफ।